यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग, आईसीयू में भर्ती 10 मासूम जिंदा जले, मचा हड़कंप। पीएम मोदी सहित योगी आदित्यनाथ ने भी जताया दुख। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 बच्चों की मौत। इन आईसीयू में भर्ती थे बच्चे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर, 37 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड एसएनसीयू में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। बच्चों के शव निकाले जा चुके हैं। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में, जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें दो चरण में एनआईसीयू है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है।